वेलकम टू मीमूज किचन एंड आर्ट गैलरी। फ्रेंड्स, आज मैं लाई हूँ आपके लिए अपना फर्स्ट ब्लॉग। फ्रेंड्स, परचेसिंग वेजिटेबल्स है। यदि आपको मेरे ये चैनल का फर्स्ट ब्लॉग आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर दीजिएगा। मैंने यहाँ पे सब्जियाँ खरीदी है, तो चलते हैं मुरलीपुरा मेन मार्केट में। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे जा रही हूँ, रास्ते में हूँ और बहुत शोर था और ये रात के 8:45 हो रहे हैं। तो देखिए, कुछ कुछ दुकानें तो अभी यहाँ पे मंगल हो चुकी है, यानी कि बंद हो चुकी है। और यहाँ पे देखिए मार्केट में जाके हमें क्या मिलता है। वैसे ये मार्केट बहुत अच्छी है फ्रेंड्स। यहाँ पे आप अगर विजिट करते हैं जयपुर में तो मुरलीपुरा सी स्कीम में आइएगा और यहाँ की मार्केट में आपको कुछ भी मिल जा सकता है। आप 10 रुपए की चीज से लेके आप यहाँ पे हजारों रुपए तक की परचेसिंग कर सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। तो देखिए, चलिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पहुँच गई हूँ मुरलीपुरा मेन मार्केट में, जहाँ पे सब्जी मंडी लगी रहती है 24 आवर्स। तो मैं यहाँ पहुंच गई हूँ और देखिए कितनी यहाँ पे रोशनी है और भीड़ भी इतनी है कि लग ही नहीं रहा है कि रात के पहुंचते पहुंचते 9 बज गए थे, तो ये 9 बजे हुए। देखिए यहाँ पे सारी सब्जियां मिल रही हैं बिल्कुल फ्रेश। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो भी सब्जियों के रेट है मैं आपको यहाँ मेंशन कर दूंगी। देखिए कितनी फ्रेश फ्रेश सब्जियां हैं और रात को इस टाइम 9 बजे भी कितनी भीड़ है सब्जी लेने के लिए। ये है शिमला मिर्च, तरबूज, हरी मिर्च, फ्रूट्स वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। ये बैंगन घिया भी 30 रुपए किलो थी, बैंगन भी 30 रुपए किलो है। ये शिमला मिर्च 60 रुपीज केजी और हरी मिर्च ने तो प्रभु 120 रुपए केजी हो गया है, बहुत महंगा है। और लास्ट टाइम जब मैं नींबू लेने आई थी तो 400 रुपीज केजी था, आज जो था 360 केजी है। ये सिर्फ एक हफ्ते में 40 रुपीज कम हुआ है, लेकिन इतने बढ़िया और रसीले नींबू है। और ये है अदरक, अदरक भी 120 रुपए किलो है फ्रेंड्स, लेकिन सारी सब्जियां फ्रेश है। हम फ्रेंड्स फ्रेश सब्जियां लेते हैं तभी हमारी जो सेहत है वो सही रहेगी। यदि हम सड़ी गली खराब सब्जियां लेंगे तो वो सब्जी भी खराब बनेगी, पैसा भी वेस्ट होगा, हम बीमार भी हो जाएंगे। तो इससे अच्छा फ्रेंड्स अच्छी अच्छी और ताज़ी ताज़ी सब्जियां लें, चाहे थोड़ा सा 5-10 रुपए का फर्क क्यों ना हो। आप यदि जयपुर में रहते हैं तो मुरलीपुरा के साइड में अगर आप आते हैं तो यहाँ की मेन मार्केट में से आप खरीद सकते हैं। ये फ्रेंड्स पुदीना है और ये ककड़ी जो गर्मी में आजकल बहुत चल रही है, ये सिर्फ 20 रुपए किलो थी। और पुदीना जो था फ्रेंड्स 60 रुपीज के जी है और ये पालक 30 रुपीज के जी। तो इसी तरह से फ्रेंड्स इस मार्केट में जो है फ्रूट्स भी मिल जाते हैं, सब्जी वाले भी फ्रूट रख लेते हैं और एक स्टॉल जो है, 2-3 स्टॉल जो बने हुए हैं वो फ्रूट्स के हैं। ये है फ्रेंड्स आलू और प्याज, प्याज 30 रुपीज के जी। तो फ्रेंड्स बहुत भीड़ थी तो मैं आपको ऐसे ही दिखा रही हूँ। कहते हैं ना फ्रेंड्स कि अच्छा अगर फूड हमें मिले तो मूड भी हमारा अच्छा रहता है, तो इसीलिए जो है सुबह अगर हमें फ्रेश सब्जी चाहिए, खाना बनाना है, मूड भी अच्छा रखना है तो अच्छी अच्छी सब्जियां हमें खरीदनी ही चाहिए। फ्रेंड्स एक कैरी भी मैंने खरीदी थी, कैरी 60 रुपीज के जी थी और ये पालक इस
भैया के ज़्यादा अच्छे मिल रही थी तो मैंने ये खरीद ली। बिल्कुल फ्रेश पालक है। बहुत शोर था फ्रेंड्स, तो मैंने इसीलिए जो है सब्जियों की जो मार्केट की जो आवाज़ आ रही थी बहुत बढ़िया आ रही थी, मगर शायद आप लोगों को मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आती तो मैंने इस तरीके से आपको दिखा दिया है। ये करेले अच्छे नहीं थे फ्रेंड्स, इसलिए मैंने करेला लिया ही नहीं। भिंडी भी कहीं कहीं अच्छी थी, कहीं कहीं खराब थी, लेकिन भिंडी भी जो थी 150 रुपीज के जी थी। देखिए फ्रेंड्स, ये फ्रूट की स्टॉल आ गई है, आप फ्रूट खरीदना चाहे तो खरीद सकते हैं, या नारियल भी बहुत बढ़िया हो रहा था। तो ये हमारे जयपुर में है मुरलीपुरा। तो अब मार्केट से मैं निकल गई थी तो मैंने सोचा कि चलो क्यों ना बेटे के साथ आए हैं तो कुछ मार्केट को आप दिखा दूं, कि रात के अभी 9:30 बज चुके हैं इस वक्त, तो वहाँ से मार्केट से ही उसी मार्केट का ये सीन है फ्रेंड्स। वहीं से हम सर्कल से निकलते हुए जा रहे थे तो यहाँ पे गर्मी बहुत थी, तो हमने सोचा कि क्यों ना यहाँ पे एक फेमस है रामचंद्र कुल्फी भंडार, तो वहाँ से हम क्योंकि भंडार से हमने जूस पिया। फ्रेंड्स, मेरे फ़ोन की बैटरी जो थी इस टाइम 4% ही थी, तो मैं आपको पूरा डिटेल नहीं दे पाई, तो मैंने छोटी छोटी वीडियो जो है बना बना के क्लिप्स आपको दिखा ली। रामचंद्र कुल्फी भंडार के आगे ब्रिजेश स्वीट्स था, और ये मुरलीपुरा सर्कल से बिल्कुल सेंटर में बीचों बीच में जो है वहीं के स्ट्रेट लाइन में। जयपुर वाले अगर यहाँ आना चाहते हैं तो ये देखिए रेट लिस्ट में बहुत वाजिब दाम में, और ये जो बीच में मैंने यहाँ पे वाइट वेट है वो शनिदेव मंदिर है, उसी के सीधे में आप आइए। और ये रामचंद्र कुल्फी वाला टिक्की भी बना रहा था। तो हम वापस अब घर जा रहे थे फ्रेंड्स, तो ये मैंने आपको दिखा दी। यहाँ पे अभी 60% तक शॉप्स खुली हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा ये ब्लॉग आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट में लेके जरूर बताइएगा, और इससे भी अच्छे ब्लॉग्स लाने की मैं पूरी कोशिश करूँगी। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।